सिद्धार्थ और शहनाज पर तो अक्सर ही बातें हुआ करती है। इंडस्ट्री में कई सेलिब्रिटी इन पर बात करते हैं और उनका रिएक्शन सामने आता है, लेकिन इतने सालों बाद वरुण धवन का एक रिएक्शन सामने आया है। क्या कुछ हुआ है खास, पूरी बात बताएंगे आपको अपनी इस वीडियो में, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। सिद्धार्थ और शहनाज का प्यार ऐसा है जिस पर हमेशा ही बातें होती रहती है, और है क्या गाइस, आगे भी कई सालों तक इस पर बातें होती रहेगी, क्योंकि हम तो हमेशा ही शहनाज पर वीडियोस वगैरह शेयर करते हैं। इनके प्यारे प्यारे मोमेंट्स भी हम शॉर्ट वीडियो के जरिए आपके साथ लगातार शेयर करते हैं, और उस पर फैंस का प्यार भी लगातार मिलता है, क्योंकि शहनाज की जो जगह हमारे दिल में है ना, वो कभी कोई ले ही नहीं सकता। और गाइस यहाँ तक तो बात ठीक है कि फैंस हमेशा याद करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में भी सिद्धार्थ और शहनाज पर अक्सर ही बातें होती है और हमेशा इनके प्यार को याद किया जाता है, क्योंकि आपको याद ही होगा हैशटैग शहनाज हमेशा ही ट्रेंडिंग में रहा है। ऐसा किसी का भी हैशटैग इतनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा है जितना शहनाज का पहुंचा है, तो इंडस्ट्री में अक्सर ही इनके प्यार की चर्चाएं होती है। और गाइस इंडस्ट्री में जो इनसे जुड़े लोग हैं उन्हें वो बातें भी पता है जो शायद हम तक कभी पहुंची ही नहीं। तो ये तो हुई इनके प्यार की बातें, लेकिन बिग बॉस 13 में कुछ ऐसे मोमेंट भी रहे जो यादगार बन गए। जैसा कि आप जानते हैं ये फाइट वीक जिसकी पूरी की पूरी सीरीज हमारे चैनल पर अपलोड है, अगर आपने वो लम्हे अभी तक नहीं देखे हैं या कुछ मिस किया है ना, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर फाइट वीक के नाम से देखेंगे तो आपको सारे मोमेंट याद आ जाएंगे, हमने डिकोडिंग की हुई है उन पर। और अगर हम बात करें वरुण धवन की, तो वरुण धवन पहुंचे थे बिग बॉस 13 में, तब सिद्धार्थ और शहनाज का झगड़ा चल ही रहा था, और आप यहां पर देख सकते हैं ना कि शहनाज कितनी खोई खोई सी हैं, सिद्धार्थ के चेहरे पर भी वो गम नजर आ रहा है। सिद्धार्थ ने तो उस वीकेंड के वार पर चेंज भी नहीं किया था, मतलब उसी टी शर्ट एंड जीन्स में वो नजर आ रहे हैं, हालांकि उन्होंने ड्रेस निकाला था बट चेंज नहीं किया, इतना उनका मूड ऑफ हो रखा था। और यहां पर हुई थी कुर्सी तोड़ परफॉर्मेंस, मतलब शहनाज ने सॉन्ग गाया था और सिद्धार्थ की तो कुर्सी ही टूट चुकी थी जब वो सॉन्ग आया था। तो ये सारी बातें, ये सारे वो लम्हे हैं जो फैंस के दिलों में हमेशा तरोताजा रहेंगे। और यहां पर पता चला था कि वरुण धवन का कितना गहरा कनेक्शन है सिद्धार्थ के साथ, क्योंकि वो कनेक्शन हमेशा ही कई बार नजर भी आया है। यहां पर वरुण धवन का शहनाज के साथ भी एक अलग कनेक्शन है जो कि कई बार हमने देखा है, वो शहनाज को कई बार अप्रिशिएट करते हुए नजर आए हैं। और अभी वरुण धवन और नताशा दोनों मॉम डैड बन चुके हैं, और ये खबरें जैसे ही सामने आई तो शहनाज गिल ने भी कांग्रेचुलेशंस कहा है उन्हें, और इस पर वरुण धवन का भी रिप्लाई आया है, या हम उसे जेस्चर कह सकते हैं स्वीट सा, या फिर उनका रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो भाई इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, दोस्तियां निभाई भी जाती है और आगे भी बढ़ती है। तो ये सारी चीजें देख कर ना बहुत सारे लोगों को बिग बॉस 13 की बातें याद आ गई, और वरुण धवन का इतने सालों बाद कुछ इस तरह का रिएक्शन सामने आया है, ये सब देख कर भी बहुत ज्यादा खुशी हुई है, फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। वेल गाइज आपका इस पर क्या है कहना, कॉमेंट में आकर जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और वरुण धवन और नताशा को आप भी विशेष देना चाहते हैं तो कांग्रेचुलेशंस कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।